तो आज हम सीखेंगे GRN करने से पहले हम TPOD निकालते हैं, है ना, जो कि हमारा गाड़ी आया DC से खाली हो गया गाड़ी, और उसके बाद उसके लिए पेपर बना के देना होता है। तो हम आज उसे अभी TPOD देंगे, उसके बाद हम GRN करेंगे। तो उसके लिए हम अभी अपना टी कोड यूज़ करेंगे ZStore, फिर हम इसे क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे GRN अगेंस्ट DC एंड DSD में, फिर हम जाएंगे GRN इनबाउंड ट्रिप एंड आउटबाउंड ट्रिप इनवॉइस। फिर इसमें हम अगर DC से है तो हम आउटबाउंड ट्रिप में जाएंगे और यहाँ पे हम ट्रिप नंबर लिखेंगे। तो ट्रिप नंबर जैसा कि हमारे पेपर्स में लिखा हुआ है, देखिए हमारे पेपर में यहाँ पे ट्रिप नंबर दिया हुआ है, हमने यहाँ पे ट्रिप नंबर डाल दिया है। तो हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्टर POD, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास मार्केट व्हीकल, हमारे पास DC का गाड़ी है तो ये मार्केट व्हीकल नहीं है, तो हम इसे नो पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद व्हीकल सील इज इंटैक्ट नॉट टेम्पर्ड, तो हाँ हमारा सील सही था, टेम्पर्ड तो था नहीं। फिर उसके बाद ऑल HU बॉक्स रिसीव काउंट इज करेक्ट एज पर ट्रिप, हाँ हमारे पास कोई शॉट नहीं मिला इसलिए हम इसे यस करेंगे। शॉट रहता तो उस HU का HU नंबर लिख के हम शॉट कर देते हैं। और ऑल HU बॉक्स रिसीव नो डैमेज, हाँ हमारे पास जितने भी HU बॉक्स रिसीव्ड हुए हैं कोई डैमेज कंडीशन में नहीं थे इसलिए हम यस करेंगे। अगर डैमेज होते तो यहाँ पे HU और आर्टिकल लिख के हम डैमेज कर देते हैं, या फिर HU डैमेज है तो HU ही कर देते डैमेज। और ऑल HU बॉक्स टैप सील नॉट टेम्पर्ड एज पर इनिशियल इंस्पेक्शंस, तो ये भी सही था इसलिए हम यस क्लिक करेंगे। और हमें कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे डायरेक्टली सेव एंड प्रिंट क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ये हमें पॉपअप दे रहा है कि एक बार अगर ये प्रिंट हो जाता है तो फिर इस पर कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम श्योर हैं तो हम यस करेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज में हम यहाँ पे 2 कर देंगे, क्योंकि एक कॉपीज हम अपने पास रखते हैं और एक कॉपी देते हैं वो ड्राइवर को अपने गाड़ी के साथ वो ले जाता है ना। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं, सीधा प्रिंट कर देंगे। जैसा कि प्रिंट करने के बाद हमारे प्रिंटर से यहाँ प्रिंट भी निकल जाएगा। हमारा इस टाइप का TPOD आ जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, फिर हमारा सिक्योरिटी गार्ड SLP का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे ड्राइवर का सिग्नेचर होगा, फिर हमारा ये TPOD क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच।